वेलकम गाइस, अर्बन ड्राइवर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सफारी थर्ड जनरेशन के बारे में। इसको लेना एक जायज फैसला होगा कि नहीं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सफारी, जो इसको सफारी की लुक देने के लिए जो माउंटेड रूफ रेल्स लगाए गए हैं सफारी स्ट्रॉम की तरह, और ये इसके आ गए LED टेल लैंप्स जो कि काफी अच्छे हैं। हैरियर से काफी मिलती जुलती गाड़ी है, हालांकि हैरियर का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। नाम सफारी जस्ट फॉर सेल्स के लिए किया गया है, वी ऑल नो दैट। तो ये इसका कुछ बैक लुक आ गया और अच्छा है। मतलब ये जो लगा हुआ है, ये सफारी का लुक देने की कोशिश करी गई है जरा, मतलब ये जो रूप पे लगाया गया है, और मतलब सफारी के जैसी लुक देने की कोशिश किया, बट अल्टीमेटली है तो हैरियर ही है। और फ्रंट से जो कि हमें पता भी नहीं चलता है कि सफारी है, हालांकि ग्रिल में कुछ थोड़ा चेंज किया, और ये हैरियर है जो कि इससे बेटर नजर आती है देखने में, और सिमिलर तो है ही काफी हद तक। तो चलिए इंटीरियर के बारे में बात करते हैं, गाड़ी के अंदर चलते हैं गाड़ी के। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप काफी अच्छा इंटीरियर है, हैरियर से काफी सिमिलर ही है, कुछ ज्यादा बड़ा फर्क तो नहीं है। और ऑटोमेटिक वेरिएंट है ये गाड़ी का, सनरूफ के साथ आती है पैनोरामिक, जो कि काफी अच्छी बात है। चलिए फीचर्स में गाड़ी अच्छी फुली लोडेड है, इंटीरियर भी काफी अच्छा है, ऑटोमेटिक वेरिएंट है गाड़ी का, बट है गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, जो कि सफारी के नाम के साथ एक कुछ मेल जोल नहीं खाती है गाड़ी की। फ्रंट व्हील ड्राइव है गाड़ी, सफारी कहलाती है, स्पेस अच्छी है हर रो में, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक सफारी फील चाहते हैं गाड़ी से, तो आई डोंट थिंक कि ये सफारी उसके लिए बनी है। फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है और कंफर्टेबल बेशक है, काफी कंफर्टेबल है, लेकिन अगर इसके ऊपर जाना आप प्रेफर करते हैं, उससे अच्छा आप हैरियर पे चले जाइए अगर आपको थोड़ा अच्छा फील चाहिए तो। अदरवाइज ये हैरियर का डार्क एडिशन है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है। ये मतलब बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, बहुत ही मतलब बढ़िया गाड़ी है ये।